विजय मेघ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है, x प्लस वन बाय एक्स इक्वल्स माइनस वन एक गिवन है। तो देन हमें फाइंड आउट करना है x टू द पावर ऑफ 58 प्लस वन डिवाइड बाय x टू द पावर ऑफ 58 का वैल्यू क्या होता है, हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन लिख लेंगे और गिवन इक्वेशन जो है ये और एक बार नोट डाउन कर लेंगे, x प्लस वन बाय एक्स इक्वल्स नेगेटिव वन। यहाँ पर डिनोमीटर में x है, इसे अगर हमें निकालना है तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इससे भी x से मल्टीप्लिकेशन कर दो और इसके साथ भी x से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तब ये बनते हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू वन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स नेगेटिव वन टाइम्स एक्स मीन्स माइनस एक्स। ओके, तो ये बनते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस, ये दोनों कट हो गया तो वन रिमेनिंग रहेगा। ये माइनस एक्स है, ये साइड में लिया तो ये प्लस एक्स बनते हैं, तो एक्स प्लस एक्स इक्वल जीरो। यानी हम इसे सीधा लिख लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ये नोट डाउन कर लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स जीरो। इसे मैं इक्वेशन नंबर वन कहेंगे। अभी हमें अब सपोज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका आइडेंटिटी हमें मालूम है, ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पर ए इक्वल्स एक्स रहा, बी इक्वल्स वन रहा, देन ए क्या बनते हैं, एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वन टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू वन, ओके, प्लस वन स्क्वेयर। ठीक है, तो ये बनते हैं एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वन टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, एक्स इंटू वन मीन्स एक्स ही होते हैं, प्लस वन स्क्वेयर मीन्स वन होता है। तो हमें मालूम है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स जीरो। अगर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स जीरो, इसके जगह में अगर हम जीरो रखा तो ये बनते हैं एक्स क्यूब माइनस वन वन, वन क्यूब मीन्स वन, इक्वल्स एक्स माइनस वन इंटू इसके जगह में जीरो। तो अब बनता है एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू जीरो मीन्स जीरो, एनी नंबर मल्टीप्लाइड विथ जीरो मीन्स जीरो। तो एक्स क्यूब ये नेगेटिव वन राइट साइड में लो, तब ये एक्स क्यूब इक्वल्स पॉजिटिव वन बनता है। तो हमें मिला एक्स क्यूब का वैल्यू पॉजिटिव वन। तो हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू वन इसका वैल्यू। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स टू द पावर ऑफ 58 प्लस वन डिवाइड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 58 का वैल्यू क्या होता है, हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्स टू द पावर ऑफ 58 प्लस ऑफ वन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 58 इक्वल्स, भाई इस एक्स टू द पावर ऑफ 58 को 1 प्लस 57 लिख लेंगे, तो 1 एक्स टू द पावर ऑफ 58 ही बनता है। 1 प्लस 57 मीन्स प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई, डिवीजन में भी ऐसे होता है एक्स टू द पावर ऑफ 1 प्लस 57। ठीक है, तो एक्स टू द पावर ऑफ 58 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 58 इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ऑफ 1 प्लस 57, मतलब क्या होता है, ये ए टू द पावर ऑफ एम प्लस एन के जैसा है, तो ए टू द पावर ऑफ एम इंटू ए टू द पावर ऑफ एन बनते हैं, यानी प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स का। एक्स टू द पावर ऑफ 1 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 57 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 1 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 57। ठीक है, इस 57 को हम क्या करेंगे, ये 57 को अगर ब्रेक किया हम तो 3 इंटू 19 बनते हैं, 93 57। तो तब ये 57 के जगह में हम क्या लिखेंगे, एक्स टू द पावर ऑफ 1 मीन्स एक्स ही रहने दो, एक्स टू द पावर ऑफ 57 के जगह में एक्स टू द पावर ऑफ 3 इंटू 19 लिखेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 1 मीन्स एक्स ही होता है, तो एक्स टू द पावर ऑफ 57 के जगह में एक्स टू द पावर ऑफ 3 इंटू 19। ओके, तो अभी ये क्या होता है, ए टू द पावर ऑफ एम इंटू एन अगर रहा तो ए टू द पावर ऑफ एम होल टू द पावर ऑफ एन बनता है। ये आइडेंटिटी, ये रूल
अगर इधर यहाँ पर यूज किया दोनों में, तब ये बनता है एक्स टू दावर एक्स इंटू एक्स टू दावर ऑफ 3 होल टू दावर ऑफ 19, यानी एक्स के जगह में ये है और थ्री के जगह में एम, एम के जगह में 3 है और एन के जगह में 19 है, तो प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टाइम्स एक्स टू दावर ऑफ 3 होल टू दावर ऑफ 19, ठीक। बट हमें मालूम है एक्स टू दावर ऑफ 3 इक्वल्स 1 है ना, तो ये एक्स टू दावर ऑफ 3 इक्वल्स 1 इसके जगह में अगर हम रखा तो ये बनता है एक्स टाइम्स एक्स टू दावर ऑफ 3 इक्वल्स 1 मीन्स 1 टू दावर ऑफ 19 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स टाइम्स 1 टू दावर ऑफ 19, ठीक है। तो 1 टू दावर ऑफ 19 मीन्स क्या होता है, एक्स टू एक्स एज वन, 1 टू दावर ऑफ 19 मीन्स 1 ही होता है प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टाइम्स 1 टू दावर ऑफ 19 मीन्स ये 1 ही होता है। इसका मतलब एक्स प्लस 1 बाई एक्स, एक्स टू दावर ऑफ 58 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू दावर ऑफ 58 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स आ गया फाइनली, ठीक है। बट एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज माइनस 1 गिवन है, तो दिस इक्वल्स माइनस 1 रखो, तो फाइनली आंसर क्या आता है, एक्स टू दावर ऑफ 58 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू दावर ऑफ 58 इज इक्वल्स टू नेगेटिव 1। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।